अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम 2021 के T20 वर्ल्ड कप की हार को भुला नहीं पाई है और अब होने वाले 2022 के T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में भारतीय टीम बहुत ही जोरों शोरों से तैयारी कर रही है और इस वर्ल्ड कप के लिए महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम के लिए बहुत ही बड़ा पद दे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम में वर्ल्ड कप के लिए क्या पद मिला है। लेकिन उससे पहले, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में कौन है बेहतरीन कप्तान, इस बात का जवाब हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम 2021 में UAE में खेले गए T20 वर्ल्ड कप की हार से बहुत ही ज्यादा निराश हुई, जिसके बाद भारतीय टीम का पूरा फोकस इस साल अक्टूबर और नवंबर के मध्य में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट पर है, जिसमें भारतीय टीम 2021 वर्ल्ड कप के बहुत ही ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद भी 2022 वर्ल्ड कप में अपनी जीत से शुरुआत करना चाहेगी और 2022 T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम भी शामिल करेगी, जिसके लिए भारतीय टीम में कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं। जैसे भारतीय टीम को एक नया कप्तान मिल गया है और वो कप्तान रोहित शर्मा है। दोस्तों, विराट कोहली ने T20 2021 के वर्ल्ड कप के बाद से ही T20 की कप्तानी छोड़ दी थी और वनडे की कप्तानी उनसे छीन ली गई और साथ ही साथ टेस्ट टीम की कप्तानी उन्होंने अपनी इच्छा से बेकार प्रदर्शन करके छोड़ दिया, जिसके बाद अब रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और रोहित शर्मा भारतीय टीम को 2020 के T20 वर्ल्ड कप की अगुवाई करेंगे और एक बेहतरीन टीम चुनकर टूर्नामेंट में विजय हासिल करेंगे। और कप्तान के साथ साथ इस बार भारतीय टीम के कोच भी बदल दिए गए हैं, जिसमें रवि शास्त्री का कार्यकाल खत्म होने के बाद भारतीय टीम को नया कोच राहुल द्रविड़ के रूप में मिला है। और दोस्तों, आपको बता दें कि रोहित और द्रविड़ युग की शुरुआत 2021 के वर्ल्ड कप के बाद से हो गई थी और 2022 वर्ल्ड कप कप्तान और कोच के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके बाद 2023 का वनडे वर्ल्ड कप भी भारतीय टीम के नजर में होगा और 2022 वर्ल्ड कप के लिए BCCI महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम के मेंटोर की भूमिका दे सकता है, क्योंकि 2021 के वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम की मेंटोरशिप महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में ही दी गई है और महेंद्र सिंह धोनी को 2022 वर्ल्ड कप के लिए फिर से मेंटोरशिप दी जा सकती है और ये भारतीय टीम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी रहेगा। हालांकि पिछले T20 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी अपनी मेंटोरशिप से भारतीय टीम का फायदा नहीं करा पाए, लेकिन इस साल होने वाले T20 2022 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम को एक मेंटोर के रूप में टूर्नामेंट का खिताब जरूर जिताएंगे। और वहीं टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में अब T20 फॉर्मेट का बेस्ट कप्तान होगा और सभी को उनके जैसे दिमाग की डग आउट में जरूरत पड़ती है और वो जो भी करते हैं सही करते हैं और धोनी के फैसले 90-95% सही होते हैं और उनको इसमें महारत हासिल है। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम 2022 के T20 वर्ल्ड कप के लिए मेंटोर बना सकती है या नहीं, इस बात को जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।